नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तब सबसे पहले उनके मन में यह ख्याल उठता है कि वो किसको जन्म देने वाली है, एक लड़के को या एक लड़की को। साथ ही घर परिवार वालों के मन में भी यह जानने की उत्सुकता बनी रहती है। अगर किसी भी महिला को अगर यह दूसरी संतान हो जा रही है तो वो सोचेगी कि पहली संतान लड़का है तो इस बार लड़की हो जाए तो परिवार संपन्न हो जाए, और अगर पहली संतान बेटी है तो सोचेंगे कि इस बार लड़का हो जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाए। पर दोस्तों, यह सब बातें हैं सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती हैं, बाकी हर माता पिता के लिए उनकी संतान बहुत प्यारी होती है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ गर्भवती महिला की जो मन की जिज्ञासा होती है उनको दूर करना ही है। यह सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए ही वीडियो बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सब लोगों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बाजू में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए अब बात करते हैं उन्हीं कुछ लक्षणों के बारे में जिससे आप पता लगा सकती है कि आपने किसको कंसीव किया है, एक बेबी बॉय को या बेबी गर्ल को। तो सबसे पहला लक्षण है कि आपको कमर में दर्द। जी हाँ दोस्तों, आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। वो दर्द आपको आपके पीठ के निचले हिस्से से लेकर आगे की तरफ पेट की तरफ आपको घूमता दिखेगा। वो दर्द आपको आपके कमर की और बाईं ओर ज़्यादा, मतलब बाईं तरफ आपको ज़्यादा महसूस होगा। यह एक ऐसा ठोस लक्षण है जो बताता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है। दूसरा लक्षण है कि आपके पैरों में क्रैम्प आना। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तब गर्भावस्था के दौरान उनके बाएं पैर में दर्द ज़्यादा होता है, उनके बाएं पैर की नस बार बार चढ़ जाती है, उनको दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वह चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होता रहता है। तो यह भी एक ऐसा संकेत बताता है कि महिला को एक बेटा होने वाला है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में हर महिलाओं के बॉडी में चेंजेस अलग अलग होते हैं, हर का प्रेगनेंसी सिम्टम्स होता है वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए किसी के साथ यह लक्षण मैच हो जाता है और किसी के साथ नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आप अपना सजेशन दीजिए ताकि मैं अपने वीडियो में कोई भी चेंज कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।